जिला मंडी में भाजपा संगठनात्मक जिला सुंदरनगर का चुनाव कार्यालय सुंदरनगर के नया बस स्टैंड के साथ लगते एक बड़े हॉल में शुरू हो गया है। संगठन मंत्री शिशु धर्मा के कर कमलों द्वारा इस कार्यालय का विधिवत पूजा व हवन के साथ उद्घाटन किया गया। जिलाध्यक्ष राकेश जम्वाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग तय की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं को इस कार्यालय से भाजपा अपनी रणनीति तय करेगी। इस कार्यालय के खुलने से भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए भी संदेश दिया जाएगा। इस मौके पर राकेश जम्वाल ने बिलासपुर में 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चलने का आह्वान किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल ने नवरात्रों में आज मंडल के कार्यालय का विधिवत मंडी संसदीय क्षेत्र के हमारे संगठन मंत्री शिशु धर्मा जी ने उसका विधिवत उद्घाटन किया और सभी कार्यकर्ता अब सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार हैं और बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। मैं सभी सुंदरनगर वासियों को जहां नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं, वहीं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। 3 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स का तोहफा देने के लिए यहां पर उसका शिलान्यास करने के लिए बिलासपुर आ रहे हैं। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उस रैली में बिलासपुर में पहुंचेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अजय राणा, मंडल अध्यक्ष वरागी राम, कार्यकारिणी सदस्य दुर्गा प्रसाद, युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश चंदेल, मीडिया प्रभारी महेंद्र भी मौजूद रहे।